हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। हेलो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेसन, रंगोली। रंगोली क्या होती है? आप सबके घरों के सामने सवेरे सवेरे आपकी मम्मी जो किसी स्पेशल पाउडर से निकालती है उसे रंगोली कहते हैं। तो रंगोली क्यों निकाली जाती है? तो घर का डेकोरेशन या फिर जो अच्छी शक्तियां है वो घर की तरफ, अपने घर की तरफ अट्रैक्ट हो और बाहर की बुरी शक्तियां अंदर ना आ पाए, इसीलिए रंगोली निकाली जाती है। ऐसा कुछ ट्रेडिशन है, रियलिटी किसी को पता नहीं होती। तो आज हमारे लेसन में रंगोली में क्या क्या है वो देखते हैं। रंगोली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट प्लीजिंग आर्ट फ्रॉम ऑफ इंडिया। द वर्ड रंगोली और रंगावली कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, रंग मीनिंग कलर एंड आवली मीनिंग रो और वेंस। रंगोली जो है बहुत ही सुंदर आर्ट फॉर्म है इंडिया का। रंगोली या फिर रंगावली उसे ऐसा कहा जाता है। और रंगावली यानी दो वर्ड्स है, एक है पहला वर्ड है रंग, दूसरा है आवली। रंग यानी कलर और आवली यानी रेखाएं। रंगोली इज द आर्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन और पैटर्न ऑन द वॉल और द फ्लोर ऑफ द हाउस यूजिंग फाइनली ग्राउंड व्हाइट पाउडर एंड डिफरेंट कलर्स। रंगोली कहाँ निकाली जाती है? वॉल्स पे निकाली जाती है या फिर जमीन पे निकाली जाती है। वॉल्स पे तो आपने नहीं देखी होगी, लेकिन हमारे घरों के सामने रंगोली निकाली जाती है जो एक व्हाइट कलर के एकदम व्हाइट पाउडर से ड्रॉ की जाती है और उसमें कलर्स भी यूज होते हैं। इन मेनी हाउसहोल्ड रंगोली डिजाइन आर ड्रॉन इन द कोर्ट और इन द फ्रंट ऑफ द डोर स्टेप एवरी डे। और अलग अलग डिजाइन जो है आपके आंगन में निकाली जाते हैं या फिर आपके डोर स्टेप के सामने ही उसे ड्रॉ किया जाता है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ रंगोली इज दैट इट इज ड्रॉन अफ्रेश एवरी डे। जस्ट एज यू क्लीन एंड अडॉर्न योर सेल्फ एवरी डे, यू क्लीन योर हाउस एंड डेकोरेट इट विद रंगोली एवरी डे। और इसकी एक स्पेशल इंटरेस्टिंग बात यह है कि रंगोली हर रोज नई निकाली जाती है। यानी जैसे आप खुद रोज फ्रेश होते हो, रोज नए कपड़े पहनते हो या फिर दूसरे स्वच्छ क्लीन कपड़े पहनते हो, उसी तरह से रंगोली भी अपने डोर को, कोर्ट यार्ड को क्लीन करके दूसरे दिन और फ्रेश रंगोली वहां पर ड्रॉ की जाती है। On special occasion, you wear special clothes and ornament in the same way. Special magnificent designs are made on the occasion of the feast and festival. जैसे किसी त्योहार पे आप अच्छे नए कपड़े पहनते हो, उसी तरह रंगोली का होता है। अगर कोई फेस्टिवल है तो रंगोली भी बहुत ही बड़ी सुंदर डेकोरेटिव बनाई जाती है। डिजाइन एंड पैटर्न्स। The traditional form of rangoli makes use of design and motifs based on the nature, such as mango, creepers, lotus and other flowers, swans, peacock, fish and other animals and so on. और ये जो रंगोली है बहुत से ट्रेडिशनल पैटर्न्स भी हो उसमें, जिसमें हम नेचर के रिलेटेड थिंग्स ड्रॉ करते हैं, जैसे कि किसी भी फूल हो, कमल हो, रोज हो या फिर एनिमल्स के भी पैटर्न हम उसमें ड्रॉ करते जाते हैं। Nowadays other fashion designs and freehand drawings are also used to make beautiful rangoli. लेकिन अभी के दिनों में थोड़ा सा चेंज हुआ है और हम क्या करते हैं, अभी थोड़े नए डिजाइन और नए पैटर्न से रंगोली बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाउ इट इज मेड, ये कैसे बनती है। यूजुअली रंगोली लाइंस आर मेड यूजिंग कोर्स ग्राइंडेड पाउडर ऑफ सच सैंड, मार्बल डस्ट, सॉडस्ट और राइस ग्रेन पाउडर एज इज प्रोवाइडेड अ गुड ग्रिप व्हाइल मेकिंग द स्ट्रेट ऑफ कर्विंग लाइंस। रंगोली का जो पाउडर है किसी स्पेशल पत्थर को ग्राइंड करके बनाया जाता है या फिर मार्बल का डस्ट होता है, कभी कभी सॉडस्ट भी उसमें यूज होता है और कभी कभी चावल का आटा जिसे बोलते हैं ना, वो भी यूज करके रंगोली बनाई जाती है। थोड़ी सी हार्ड होती है जिसकी वजह से जो लाइंस है एकदम कर्व के हिसाब से गिरे। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ अनब्रोकन लाइंस और इवन थिकनेस ऑफ मेंटेन टू द ब्यूटी ऑफ द डिजाइन। और ऐसा क्यों? क्योंकि रंगोली अगर खूबसूरत दिखना है तो लाइन हर जगह सेम थिकनेस की आनी चाहिए या फिर वो एकदम शेप में आनी चाहिए। द स्किल टू डू सो कम्स विद द लॉट ऑफ प्रैक्टिस। द रंगोली कैन देन बी लिफ्टेड एज अ ब्यूटीफुल ड्रॉइंग और यू कैन फील इट विद द ब्राइट कलर्ड पाउडर। और ये जो है प्रैक्टिस की वजह से बाद में एकदम ब्यूटीफुली कर सकते हैं और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए रंगोली में एकदम अट्रैक्टिव कलर भी फील किए जाते हैं। It is cost contemporary to prepare a special background for rangoli with a geru or wet red coarch so that the white design stand on very well. Also usually a grand of rows and columns of dawn is used to give a proper frame and shape to the design. और जो है दीवारों पे रंगोली जो कहा था मैंने, वहां पर क्या होता है कि वो दीवार जो होती है मिट्टी की बने वाली होती है, उस पे गेरू लगाया जाता है। गेरू यानी एक रेड कलर का पत्थर होता है जिससे वो बैकग्राउंड
रेड कलर का हो जाता है और उसपे व्हाइट कलर के लाइन से ड्रॉ किया जाता है जिससे वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। और अलग अलग फ्रेम, अलग अलग शेप और अलग अलग डॉट को जोड़ के रंगोली बनाई जाती है। रंगोली एंड दिवाली। रंगोली ऑकर अ स्पेशल प्लेस इन द फेस्टिवल ऑफ दीपावली और दिवाली सिंस द आर्ट फॉर्म इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वार्म हॉस्पिटैलिटी। इट इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन टू डेकोरेट द कोर्टयार्ड ड्यूरिंग द फेस्टिवल। इट सिग्निफिकेंस दैट द पीपल कमिंग टू द हाउस आर वेलकमिंग इनसाइड। रंगोली का और दिवाली का भी कुछ बहुत ही अच्छा रिलेशन है, यानी हम हर एक फेस्टिवल में रंगोली निकलते हैं लेकिन दिवाली के टाइम बहुत बढ़िया बढ़िया रंगोली सबके घरों के सामने होती है। और इसका मतलब क्या होता है कि रंगोली आपका वेलकम करने के लिए उस घर के सामने वो डिजाइन निकाली गई है। यहाँ पर आपको अलग अलग रंगोलीज दिखेंगे। रंगोली इन डिफरेंट स्टेट। रंगोली आर्ट इज नोन एज अ डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इट इज नोन एंड चोपरना इन उत्तर प्रदेश, मंदला इन राजस्थान, मुग्गु इन आंध्र प्रदेश एंड एज द रंगोली इन गुजरात, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। जैसे हमारी लैंग्वेज बदलती है, हमारा स्टेट बदलता है, वैसे लैंग्वेज बदलती है और लैंग्वेज के हिसाब से रंगोली का नाम भी हर जगह अलग होता है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो अलग अलग एरिया में उनके नाम है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और स्पेशली गुजरात में रंगोली को रंगोली ही कहा जाता है। Each region has its special characteristics, design and pattern. In the northern part of India, it is contemporary to make rangoli design by traditional wet color. और north part में क्या है, wet color से रंगोली बनाई जाती है। हमारे यहाँ जैसे सूखे dust से बनाई जाती है वैसे वहाँ पर नहीं बनती है। In Bengal, rangoli is known as the alpanna, whereas in Bihar and Uttaranchal, it is named aripanna. और यहाँ पर बंगाल का नाम अल्पना रंगोली को कहा जाता है और बिहार में अरिपना ऐसा रंगोली को कहा जाता है। कोलम इज द नेम गिवन टू द आर्ट ऑफ रंगोली इन साउथ पार्ट ऑफ द कंट्री, मेनली इन द स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु और केरला में उसे कोलम कहा जाता है। कोलम डिजाइन्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ राइस पाउडर, और वहां पर स्पेशली किसी पत्थर के पाउडर से नहीं तो राइस के पाउडर से ही रंगोली बनाई जाती है। रंगोली इन मॉडर्न डेज। ये हो गए पुराने ट्रेडिशनल बातें, अभी नए जमाने की बात हम रंगोली के बारे में करेंगे। रंगोली आर्ट हैज बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज टू ब्यूटी मेनी इंडियन हाउसहोल्ड। प्रीवियसली इट वाज यूज्ड मेनली बाय वुमन, टुडे बोथ मेन एंड वुमन लर्न एंड प्रैक्टिस दिस आर्ट, एडिंग देयर इनोवेशन आइडियाज टू द ट्रेडिशनल डिजाइंस एंड मोटिव्स। पहले तो सिर्फ और सिर्फ लेडीज वुमेन्स ही रंगोली बनाया करते थे, लेकिन अभी के जमाने में मेंस और वुमेन दोनों भी अपने हिसाब से उसको और ज्यादा एडिशन कुछ ना कुछ करते हुए, मॉडिफाई करते हुए रंगोली बनाते जा रहे हैं। एट द टाइम ऑफ पब्लिक सेलिब्रेशन, कार्पेट ऑफ रंगोली आर स्प्रेड ओवर द लार्ज एरियाज एंड इवन लॉन्ग डिस्टेंस। सम पीपल यूज लीव्स एंड फ्लावर्स टू मेक रंगोलीज विच आर ब्यूटीफुल एज वेल एज फ्रेग्रेंट। और जो है जैसे फंक्शन में वगैरह बहुत बड़े बड़े बहुत लंबे लंबे डिजाइन आजकल ड्रॉ किए जा रहे हैं और बहुत सी जगहों पे आप फूलों और पत्तों से बनने वाली रंगोली भी देख सकते हैं, जो दिखने में ही सिर्फ सुंदर नहीं तो उसका फ्रेग्रेंस भी सबको बहुत ही बढ़िया लगता है। वुड यू लाइक टू ट्राई योर हैंड एट दिस ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म? क्या आप अपने आप को ये करते हुए देखना चाहते हो, यानी आपने भी ट्राई करना है। अगर आप बॉय हो गर्ल हो कोई बात नहीं है, आप किसी भी फॉर्म की रंगोली एक बार घर पे जरूर ट्राई करना। पहले नोटबुक पे ट्राई कर लो पेन या पेंसिल से, नेक्स्ट आप रंगोली पाउडर से जमीन पे ट्राई कर लेना और उसका एंजॉय करना। थिंग्स टू डू नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।